ट्वेल्थ में एक बहुत ही बड़ा सेक्शन होता है जिसको कि हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में कई सारे चैप्टर्स पढ़ते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, कैपेसिटेंस हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट। ये सारे चैप्टर्स में कंडक्टर का बहुत ज़्यादा यूज में आता है ना। तो कंडक्टर का बहुत ज़्यादा यूज आएगा, तो जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें कंडक्टर की जो प्रॉपर्टीज होती है उनको समझना होगा, है ना। तो कंडक्टर के बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर समझेंगे, है ना। देखेंगे कि यहाँ पर मैंने कंडक्टर का फिगर बनाया है। अगर बाई चांस इसके अंदर कोई चार्ज छोड़ दिया जाए, है ना, इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा? कहा जाता है कि कंडक्टर जो है उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कंडक्टर्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच कैन मूव फ्रीली इन साइड द कंडक्टर, है ना। कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि इसके अंदर कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं। तो अगर मैं चार इलेक्ट्रॉन को बीच में छोड़ देता हूं तो क्या होगा? इनके बीच में रिपल्शन होगा, है ना। तो रिपल्शन की वजह से ये एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करेंगे और फिर भागते भागते ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस पर जा करके ये रुकते हैं। तो ये सबसे ज्यादा दूर कब होंगे? जब ये जाकर के सरफेस पर पहुंच जाएंगे। मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच जाएगा, ये वाला कहीं इधर पहुंच जाएगा। तो जब बहुत दूर हो जाएंगे यानी सरफेस पर चले जाएंगे तब जाकर के ये रुकेंगे, और जब जाकर के चार्जेज रुक जाएंगे, स्टेशनरी हो जाएंगे, तब कहा जाएगा कि ये स्टैटिक कंडीशन आ गया, चार्ज फ्लो नहीं कर रहा, तो वो स्टैटिक कंडीशन आ गया, है ना। तो उस स्टैटिक कंडीशन में सारे चार्जेज जो हैं वो सरफेस पर होते हैं, अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता है, ठीक। तो हम लोग कंडक्टर की जो कई सारी प्रॉपर्टीज होती है उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो सारे यहां पर समझेंगे। जैसे कि पहला पॉइंट है, द इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन द स्टैटिक कंडीशन, है ना। स्टैटिक कंडीशन का मतलब बताया कि चार्जेज मूव नहीं कर रहे होंगे, चार्जेज जो है जाकर के रेस्ट पर आ गए होंगे। तो जब रेस्ट पर आएंगे तो सारे चार्जेज जो है सरफेस पर पहुंच गए होंगे, क्योंकि बीच में होंगे तो उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा और वहां पर रुकेंगे नहीं, रिपल्शन के कारण से वो दूर भागेंगे, भाग करके सरफेस पर पहुंच जाएंगे। और इसीलिए कहा गया है कि इस कंडक्टर के अंदर कोई एक्सेस चार्ज नहीं होना चाहिए, है ना। एक्सेस चार्ज का मतलब हम लोग जिसको चार्ज कहते हैं, अदरवाइज हर कंडक्टर पहले से न्यूट्रल होता है, तो जो भी उस पर चार्ज आएगा वो एक्सेस चार्ज ही होता है, उसी को चार्ज कहते हैं। तो थोड़ा भी चार्ज होगा यानी कि एक्सेस वाला चार्ज होगा वो सारा सरफेस पर पहुंच जाता है, अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता है। ये हो गया पहला पॉइंट। अगला पॉइंट है, इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो। क्योंकि मैंने कहा कि ये जो सारे चार्ज हैं ये सारे सरफेस पर हम पहुंच गए, अंदर कोई चार्ज बचा नहीं, है ना। तो इधर अगर मैं कोई भी गॉसियन सरफेस लेता हूं तो गॉसियन सरफेस के अंदर इनक्लोज चार्ज जीरो आएगा, है ना। यहां पर स्टैटिक कंडीशन में जो है अंदर इनक्लोज चार्ज जीरो होगा। तो अगर मैं फ्लक्स निकालूंगा ई इंटू डेल्टा एस क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो जीरो हो गया, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा इधर इस सरफेस पर। ऐसा ही सरफेस मैं इधर किनारे किनारे तक हर जगह ले सकता हूं, ठीक है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि चूंकि अंदर तो चार्ज होता ही नहीं है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी अंदर नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है ना। ध्यान रखना है कब? जब इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब चार्ज स्टेशनरी हो गए होंगे। पहले मैंने कहा कि बीच में चार्ज छोड़ा फिर ये चार्ज भाग रहे हैं, जब बीच में चार्ज होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेकिन जब ये चार्ज यहां छोड़ा जाएगा तो स्टैटिक कंडीशन नहीं होगा, तब तो वो चार्ज मूव कर रहे होंगे, ठीक। जब ये चार्जेज अगर किनारे किनारे रुक जाएंगे तब स्टैटिक कंडीशन होगा और तब जाकर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ ए कंडक्टर। मतलब ये जो कंडक्टर है इसके अंदर पूरे वॉल्यूम में जो पोटेंशियल होता है वो इक्वल होता है, हर पॉइंट पर पोटेंशियल इक्वल होता है, ये कहा गया है ना। एंड हैज द सेम वैल्यू एज इनसाइड ऑन इट सरफेस। मतलब कि पोटेंशियल हर जगह इक्वल तो होता ही है, और यहां पर अंदर पोटेंशियल कितना होता है? जितना कि
सरफेस पर होता है। तो सरफेस पर और अंदर हर जगह पोटेंशियल इक्वल होता है, ऐसा इसमें कहा गया। अब इसका रीजन समझते हैं कि क्यों होता है इक्वल, है ना। जैसा कि हमने यहां पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर होता है जीरो और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होता है वो होता है E = -dV/dr, है ना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, जैसा कि यहां बताया गया, अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो dV/dr जो है ये भी जीरो होगा, यानी जो V है ये कांस्टेंट होना चाहिए, और यही जो स्टेटमेंट है यहां पर लिखा गया है, ठीक है। तो चूंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है इसलिए पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट है और हर जगह बराबर है, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है एट द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट, है ना। जैसा कि इस पॉइंट में हमने पढ़ा कि हर पॉइंट का पोटेंशियल बराबर होता है, जो कंडक्टर होता है कंडक्टर के सरफेस पर कहें तो हर जगह पोटेंशियल बराबर है। पोटेंशियल बराबर सेम इक्वल होने का मतलब क्या हुआ कि वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है, ऐसा हमने पढ़ा था पहले, ठीक है। तो यहां पर अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो सरफेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए हर पॉइंट पर। किसी भी पॉइंट पर देखेंगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए, क्योंकि कंडक्टर का जो सरफेस है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, और इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है, या दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए। ये नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें कहा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इज E = σ/ε0। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है। जैसे मान लेते हैं कि ये एक कंडक्टर है, है ना, ये अगर कोई कंडक्टर है तो इस पर छोटा सा एक इलमेंटर एरिया लेते हैं, ये इलमेंटर एरिया मान लिया कि एरिया है डी, ठीक। अब हम लोग ऐसा करते हैं कि यहां पर एक गॉसियन सिलिंड्रिकल सरफेस कंसिडर करते हैं, ठीक। अब जैसा कि हमें पता है, मतलब कि ये जो कंडक्टर है, कंडक्टर का छोटा सा एरिया डीए लिया, तो सिलेंडर का एरिया जो है ये भी डीए होगा, ये भी डीए होगा, और इसका कुछ लेंथ है, है ना। तो हमें पता है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, यानी कि इधर लाइंस ऑफ फोर्सेज नहीं होंगी, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है जीरो, अंदर कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बाहर, तो यहां से लाइन्स ऑफ फोर्सेज परपेंडिकुलर डायरेक्शन में निकल के ऐसे जा रही होंगी, ठीक। तो अगर मैं यहां पर फ्लक्स निकालूंगा, सिर्फ ये वाले सरफेस से फ्लक्स आएगा, है ना, इस वाले सरफेस से फ्लक्स आएगा जीरो, क्योंकि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, तो इधर जो फ्लक्स आएगा उसको मैं लिखूंगा यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, जो भी है यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, जस्ट सरफेस के बाहर, जस्ट सरफेस के बाहर लेना है हमें, है ना, ये ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, तो E into dA, यहां से जितनी भी लाइन निकल रही सारी इसको क्रॉस कर रही है, तो ये हो गया फ्लक्स = Q enclosed / ε0 गॉस थ्योरम से, है ना। तो E into dA = enclosed चार्ज कैसे निकाले, तो इसकी सरफेस डेंसिटी अगर सिग्मा है तो ये डीए एरिया है ना, डीए एरिया लिया था हमने, तो डीए एरिया पर कितना चार्ज होगा, सरफेस डेंसिटी इंटू एरिया, है ना, ये हो गया यहां पर चार्ज, और यही चार्ज जो है इस सिलेंडर के अंदर इनक्लोज हो रखा है, तो ÷ε0। अब यहां से dA और dA कैंसिल कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि E का जो वैल्यू है वो σ/ε0 आ गया, जो कि यहां पर बताया गया था, ठीक। इसके बाद एक जो फेनोमेना होता है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहा जाता है, है ना। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कब होता है, जैसे कोई कंडक्टर है और कंडक्टर के अंदर कोई कैविटी है, मतलब ये तो जो है ये कंडक्टर हो गया जहां पर मटेरियल है, ठीक है, और ये अंदर कैविटी है, मतलब यहां पर मटेरियल नहीं है। अब इस कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाता है, है ना, तो कहा जाता है कि इस एक्सटर्नल फील्ड का इफेक्ट
इस कैविटी के अंदर नहीं होता। क्यों नहीं होता ये हम लोग समझ सकते हैं। होता क्या है कि इस कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो चार्जेज होते हैं, वो अपने आप को इस एक्सटर्नल फील्ड के हिसाब से रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। रीडिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब ये हुआ कि अपने आप को एडजस्ट करते हैं इस हिसाब से कि वो चार्जेज यहां पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं और ये वाला एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों मिलकर के अंदर कैंसिल हो जाते हैं। तो कैविटी के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है जीरो, है ना। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर जीरो हो गया जबकि बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसी फेनोमेना को इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहा जाता है। अगर कोई यहां पर ऐसा इंस्ट्रूमेंट रखा जाए जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड से अफेक्ट होता है ना, तो वो यहां पर रखने से वो अफेक्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट ही नहीं है, है ना। तो इसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहा जाता है। इसमें क्या होता है जो मैंने बताया उसको मैं एक बार लिख देता हूं यहां पर। मैंने बताया कि चार्जेज ऑन कंडक्टर रीडिस्ट्रीब्यूट themselves according to the external electric field, external electric field such that net इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कैविटी बिकम्स जीरो, है ना। तो यहां पर नेट का मतलब है कि एक से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट। एक यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा है, जैसे ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, और दूसरा कौन सा आएगा जो इस पर चार्जेज हैं उनकी वजह से। जैसे मान लेते हैं कि यहां पर पहले कोई चार्ज नहीं था, ठीक है, इस कंडक्टर पर कोई चार्ज नहीं था, सिर्फ एक्सटर्नल फील्ड था। तो कोई चार्ज नहीं होने का मतलब है कि पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज दोनों इक्वल अमाउंट में है यहां पर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, जो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन पर फोर्स लगाएगा उल्टा डायरेक्शन में। तो इधर क्या है, इधर निगेटिव चार्जेज आ जाएगा इस साइड में। मान लेते हैं यहां पर ये निगेटिव चार्जेज आ गए इधर, ठीक है, क्योंकि उस पर इस एक्सटर्नल फील्ड ने फोर्स लगाया होगा। अब क्या हुआ कि ये इनका जो ये जो फोर्स लगा तो इलेक्ट्रॉन्स इधर ला गए, लेकिन इधर से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इधर आ गए, तो इधर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया, यानी कि इस साइड में पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, है ना। इधर निगेटिव चार्ज आ गया इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो इधर इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी हो गई, यानी कि इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्या होगा, आप देखेंगे कि ये पॉजिटिव चार्ज और ये निगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे, है ना। इधर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे, मैं इसको ई नॉट लिख देता हूं। तो इनकी वजह से जो चार्जेज इंड्यूस हुए, इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है लेफ्ट डायरेक्शन में और एक्सटर्नल फील्ड किधर है, राइट डायरेक्शन में, है ना, इधर। अब ये दोनों जो है यहां पर अंदर हर जगह कैंसिल कर देते हैं और इसलिए अंदर नेट फील्ड हो जाता है जीरो। मतलब ई नेट जो होता है वो होता है ई नॉट। ई नॉट है इस डायरेक्शन में, मैं वेक्टर फॉर्म में लिख देता हूं, ई नॉट प्लस एक्सटर्नल फील्ड इज इक्वल टू जीरो, है ना। वैसे ई नॉट का डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन उल्टा है, इसलिए कैंसिल होकर के नेट फोर्स जीरो हो जाता है। मैंने यहां वेक्टर फॉर्म में लिखा है इसलिए प्लस मैंने साइन नहीं लिखा है, सिर्फ प्लस लिखा है, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये समझ में आया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग जो होता है, उसमें कंडक्टर के ऊपर जो चार्जेज हैं वो और जो एक्सटर्नल फील्ड है वो मिल करके किसी कैविटी के अंदर नेट फील्ड जीरो कर देते हैं। नेट फील्ड जीरो होने से क्या होता है कि अगर कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड से सेंसिटिव है, मतलब थोड़ा भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो उसको अफेक्ट कर सकता है, उनको यहां रखने से वो सेफ रहते हैं, उन पर कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। तो इसको कहा जाता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग हो गया, है ना।